स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कोलबे विद्युत अपघटन। कोलबे विद्युत अपघटन में क्या करते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण का जब विद्युत अपघटन कराते हैं, इसके जली विलयन का, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण का जली विलयन लेंगे, इसका जब विद्युत अपघटन कराएंगे, विद्युत अपघटन, तो इसके विद्युत अपघटन के फलस्वरूप हमको मिलेगा यहाँ से एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का जब जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, दुगनी होती है इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण की तुलना में। अब इसकी मैकेनिज्म को अपन देखते हैं, तो क्या है क्रियाविधि, इसको देखते हैं अपन। क्रियाविधि में सबसे पहले देखें अपन, तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहां से जो कार्बोक्सिलेटाइन है वो कुछ इस तरीके से Na, ये कार्बोक्सिलेट आयन एनोड पर जाता है, ठीक है, यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दो कार्बोक्सिलेट आयन है, एक से एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो दो दो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं इस तरीके से। ऑक्सीजन के पास में ये अपन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, दो तीन दो पाँच दो सात और एक आठ, इस तरीके से बता सकते हैं, नेगेटिव यहाँ पे ऋणावेश, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसके ऋणावेश हट जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। एक जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इस कार्बोक्सिलेट आयन ने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो दो कार्बोक्सिलेट आयन मिलकर के दो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। अब यहां से ये बना हमारे पास में, दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात जो स्पीसीज बन रही है कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल एक तरीके से अपन कह सकते हैं, तो यहां से मिलेगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या होगा, यहां से मिलेगा हमको R फ्री रेडिकल प्लस CO2, ठीक है, और CO2 कितने मिले हैं, क्योंकि दो है तो हमको 2R फ्री रेडिकल मिले हैं और 2CO2 मिल गई। अब ये R फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल ये आपस में जुड़ करके बना लेंगे R R, ठीक है। अब देखें अपन, तो कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे होता है अपचयन, कैथोड पर, कैथोड पर क्या होगा, तो ऐसे जल के दो अणु हैं 2H2O, ठीक है, ये 2H2O जो है वो ऐसे वियोजित होंगे 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, ये H प्लस 2H प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेंगे और क्या बना देंगे H2। अब विलयन में क्या बचा हुआ है, यहां पर देखें तो विलयन में यहां से देख सकते हैं, देखो सोडियम आयन बचा हुआ है, साथ में यहां पे OH बचा हुआ है, तो सोडियम आयन कितने हैं 2Na प्लस प्लस 2OH माइनस, ये सॉल्यूशन में रह जाएंगे और ये मिलकर के बना लेंगे 2NaOH। तो मैग्नीशियम को एक बार फिर से देखते हैं, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो एनोड पर जाएगा, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात जो स्पीसीज बनेगी उसमें से फ्री रेडिकल निकलेगा, या तो CO2 मुक्त मूलक हो गया, तो यहां जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया और ये बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहां पे ये तो CO2 हो जाएगा और यहां पे हमको R फ्री रेडिकल एल्किल मुक्त मूलक मिलेगा और ये एल्किल मुक्त मूलक आपस में जुड़ करके R R बना लेते हैं। और कैथोड पर अपन देखें, तो कैथोड पर जल अणु इस तरीके से वियोजित होगा, यहां पर जो हाइड्रोजन आयन है ये प्रोटॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और H2 बना लेंगे,
अब बचा क्या सॉल्यूशन में, एक तो Na, Na प्लस बच गया, ठीक है, साथ में क्या बच रहा है, 2OH माइनस, 2Na प्लस और 2OH माइनस जुड़ करके क्या बना लेंगे, 2NaOH। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया के अंदर यहां जो एल्केन बन रहा है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या दुगनी है, किससे, इस कार्बोक्सिलेट आयन से, या कह दें इसके सोडियम लवण से। तो यहां हम देख सकते हैं कि इस विधि के द्वारा CH4 यानी मैथेन को हम नहीं बना सकते कभी भी इस विधि के द्वारा। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि मैथेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी है, विषम है, एक ही कार्बन परमाणु है। क्या हम एथेन को बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं हम एथेन को। क्या फिर हम प्रोपेन को बना सकते हैं, तो प्रोपेन को इस विधि के द्वारा नहीं बना सकते। यानी इस विधि के द्वारा हम केवल उन्हीं एल्केन को बना सकते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होती है, यानी दो कार्बन परमाणु, चार कार्बन परमाणु। तो यह था कोलबे वैद्युत अपघटन, जो एक नेमिंग रिएक्शन है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।